हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ एक नाश्ता, एक नए तरीके से नाश्ता बना रही हूँ फ्रेंड्स। उसके लिए मैंने यहाँ दो आलू को बॉईल कर लिया था और यहाँ मैंने तीन ब्रेड लिए, इन्हें मैंने कट कर लिया है। आप चाहे तो छोटे बड़े टुकड़े हाथ से भी कर सकते हो फ्रेंड्स। सारे ब्रेड को मैं पानी लगा के गीला कर लेती हूँ फ्रेंड्स। पानी ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स, जब आप इसे फ्राई करोगे या फिर शेलो फ्राई करेंगे ना, ये ज़्यादा तेल अब्सॉर्ब कर लेगा, इसीलिए पानी कम ही यूज़ कीजिएगा, ताकि सिर्फ ब्रेड जो है ना वो मैश हो जाए, इतना ही पानी यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं दो आलू को उसी थाली में मैश कर देती हूँ अच्छी तरह से, और ब्रेड जो है वो नरम हो गए थे फ्रेंड्स। अब ब्रेड को भी मैं इस आलू के मिक्सर में मिक्स कर दूँगी, दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी फ्रेंड्स, ताकि इसका एक अच्छा सा डो बन जाए इस तरह। अब इसे थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डालूँगी लहसुन और हरी मिर्च, ये दोनों को मैं तड़का दूंगी फ्रेंड्स, उसके बाद मैं उसमें ऐड करूंगी। तो यहाँ एक चम्मच मैंने तेल ले लिया था, उसमें मैंने जीरा डाला है, उसमें मैंने लहसुन डाला है, हरी मिर्च डालूंगी। लहसुन और हरी मिर्च को फ्राई हो जाने के बाद मैं इस आलू और ब्रेड के मिक्सर में डाल दूंगी, ताकि ये आलू और ब्रेड का मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाए। इसी में मैं हरा धनिया और कस्तूरी मेथी ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स। इसमें मैं डालूंगी नमक स्वादानुसार, मिर्च पाउडर डालूंगी मैं, मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली है फ्रेंड्स, तो यूज़ देख के ही करना है आपको। हल्दी डालूंगी, गरम मसाला आधा टेबल स्पून, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब आप क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चावल का आटा डालने के बाद मैंने इसे मिक्स कर दिया है फ्रेंड्स, इसका एक डो बना लिया है। अब हाथ को मैं तेल लगाकर इसकी एक लोई तोड़ लेती हूँ फ्रेंड्स। हाथ को मैंने इसलिए तेल लगाया है क्योंकि ये बैटर जो है वो हाथ पे चिपके ना, आलू का मिक्सचर। इसे मैं गोल कर लेती हूँ, थोड़ा सा फ्लैट कर दूंगी और इसके बीच में मैं एक छेद कर दूंगी फ्रेंड्स, बिल्कुल मेंदू वड़ा में होता है ना उस तरह। और मुझे आज तक पता नहीं चला है फ्रेंड्स कि मेंदू वड़ा में छेद क्यों होता है बीच में, अगर आपको पता है फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। यहाँ पे मैं और एक बना के बता रही हूँ आपको, तो यहाँ मैंने सारे बना के रख दिए हैं फ्रेंड्स। और ब्रेड को जब आप पानी यूज़ करेंगे ना फ्रेंड्स, तो कम ही यूज़ कीजिएगा, नहीं तो ये फ्राई करते समय तेल ऑब्जॉर्ब कर लेंगे और ये ऑयली बन जाएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे मैं ऑयल में रख देती हूँ। मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, शेलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो यहाँ एक साइड से ये हो गए थे, मैं इन्हें पलटा देती हूँ फ्रेंड्स, और दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करके इन्हें मैं निकाल देती हूँ फ्रेंड्स। इसका तेल निकाल दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये तेल थोड़ा ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा आज का इवनिंग स्नैक्स बन के तैयार है फ्रेंड्स। मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ खाया है। तो यहाँ पे कुरकुरे स्नैक्स बन के तैयार हो गए हैं।